हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश कुमार फ्रॉम एस.के.सी. हजारीबाग। और आज मैं ये वीडियो नंबर रियल नंबर का वीडियो नंबर 18 है, पार्ट 18 रियल नंबर का, जिसमें मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि आर.एस. अग्रवाल का, अगर लेटेस्ट बुक होगा आपके पास एकदम 2021 का, तो उसमें आपको पेज नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 8 में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अगर दी पुराना होगा 2020 का, तो उसमें आपको पेज नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 9 में मिलेगा, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बाकी सब बुक का पता नहीं, मतलब पुराने जो पुराने एडिशन के होंगे उन लोग का बुक का हमको पता नहीं, ठीक है, पर होगा कहीं ना कहीं उस बुक में भी, जिसमें बोला है प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। क्वेश्चन में बोला है कि एक्स और वाई क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड पॉजिटिव इंटीजर मतलब अगर दी पॉजिटिव इंटीजर बोलता तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब चलते जाता, मतलब पूरा नेचुरल नंबर होता, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला ऑड मतलब वो नेचुरल नंबर लेंगे हम लोग जो कि ऑड होगा, जैसे कि आपका 1, 3, ठीक है, इस टाइप से 3, 7, 9, 11 ऑड वाला लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्स की जगह क्या हो सकता है 3, 7, 1, 9, 11, 13, 17, वाई भी उसी तरह 3, 7, 11, 14, 99, 102, 103 इस टाइप से हो सकता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो जब एक्स और वाई का वैल्यू ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, तो उसका कॉम्बिनेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, इस कॉम्बिनेशन का वैल्यू, वो तो इवन होगा, ठीक है, इवन होगा, लेकिन 4 से कटेगा नहीं, ठीक है, बट नॉट डिविजिबल बाय 4। अब मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि x का जगह हम लोग 1 ले लेते हैं, y की जगह 3 ले लेते हैं, दोनों क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। अब x का 1 का स्क्वायर, x के जगह पे 1, y के जगह 3, और दोनों का स्क्वायर था यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ो 10 आएगा। अब 10 तो 2 से कंप्लीटली कट जाएगा 5 टाइम्स में, यानी ठीक है, सॉरी 10 जो है क्या इवन है, हाँ इवन है, क्यों, 2 से आप उसको डिवाइड करो 5 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। जो दो, जो नंबर 2 से कटता है वो इवन होता है, ठीक है, तो ये 10 तो इवन है। अब लेकिन ये क्या 10 4 से पूरा तरह कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं, रिमाइंडर 2 बच जा रहा है, जो क्वेश्चन है वो है नॉट डिविजिबल। तो अगर यदि एक्स और वाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले ली, 1 ले ली और वाई ले ली 3 ले ली, तो इसको सॉल्व किए तो 10 आया, 10 जो है इवन है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं, ये क्वेश्चन में सेटिस्फाई करा। अब दूसरा ले लेते हैं कि x के जगह अगर 7 ले लेते हैं, y के जगह 3 ले लेते हैं, ये दोनों भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही है। अब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 का 49, 3 का 9, दोनों को जोड़ दो 58, ठीक है। अब 58 आया, अब 58 जो है इवन है, इवन नंबर है, लेकिन 58 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बच गया, ठीक है। तो इससे क्या हम लोग को पता चलता है, यही पता चलता है कि फिर से कि आप और यहाँ पे x और y कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो इवन तो जरूर होगा, लेकिन 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये x के जगह 11, y के जगह 7 ये मैंने ले रखा है, इसको आप अपने से बना लीजिएगा, अपने से समझने की कोशिश कीजिएगा, दो ठो मैंने समझाया, तीसरा किस अपने समझो, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते टाइम हम लोग x, ये तो क्वेश्चन, अब सॉल्व करते टाइम हम लोग ना कुछ वैल्यू यूज करने वाले हैं, 2m+1, जो कि आप लोगों ने रियल नंबर में बहुत बार सुने होंगे, ठीक है। तो पहले उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, क्या है, देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से कि कोई भी ऑड नंबर होता है ना, वो इसके फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा सकता है, 2m+1 के फॉर्मेट में। आप लोगों ने पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन शायद बना रखा है या पढ़ रखा है, फिर रिवीजन के लिए 9 क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 4 2 8, उसके बाद 1 रिमाइंडर बच गया। अब इसको हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में, तो 9 इज इक्वल टू 2 × 4+1, अब 4 के जगह m मान लीजिए, तो ये 9 जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर था ये 2m+1 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसी टाइप से 25 को हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में, ठीक है, और 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग 25 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 12+1, अब 12 को हम लोग m मान लेंगे, तो ये देखो तो
25 क्या थी था ऑड पॉजिटिव इंटीजर, जो भी किस जो कि किसके फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिए 2m+1, मतलब कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो 2m+1 के ही फॉर्मेट में होगा, ठीक है। और ये आप लोग पहले से भी पढ़े हैं, बस बस मैं भी बता दे रहा हूँ रिवीजन के लिए। 7 को भी इसी तरह अपने से कर सकते हैं, आप लोग खुद से कर लीजिए। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोल रखा था कि एक्स और वाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग एक्स के जगह पे 2m+1 और वाई के जगह पे 2n+1 मान लेते हैं। अब ये 2m+1 मैं आपको समझा चुका हूँ कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर यहाँ बोला है, ठीक है। और कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मेट यही होता है, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को आप 2m+1 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं एम ही लिखो, एन भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ दो पॉजिटिव इंटीजर हम मानना था, इसलिए मैंने एक में एम मान लिया, एक में एन मान लिया। तो एम इज इक्वल टू 2m+1, वाई इज इक्वल टू 2n+1, बी द टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने मान लिया। अब क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था ये एक्सप्रेशन, तो इसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां पे 2m+1 का वैल्यू लिख देना है या सब्स्टिट्यूट कर देना है, और जहां वाई है वहां पे 2n+1 का वैल्यू लिख देना है, ठीक है। और ये आप जानते हो ए प्लस बी का फॉर्मूला में एक्स हो जाएगा, तो इसमें लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab+b² में इसको ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। अब इसको मान लो आप ए, इसको मान लो बी, यहां पर भी इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। और अगर दी आप खुद से आप सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो को जंप करो, और नहीं तो समझो स्टेप बाय स्टेप। अब इसके जगह पे इसको ध्यान से देखना, ए प्लस बी का 8 क्लास में पढ़े होगा, इसको इसमें तोड़ेंगे। तो इस फॉर्मेट में था ये ए, मान लो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए के जगह 2m और बी के जगह 1, तो एक ए स्क्वायर लिखते, ए जहां था वहां पे क्या लिखना है हमको 2m, ए के जगह 2m लिख दिए, 2 था 2 लिखे, ए था ए के जगह 2m लिखे, बी बी के जगह 1 लिखे, ठीक है। प्लस था प्लस दिए, सॉरी यहाँ पे प्लस था प्लस दिए, उसके बाद बी बी का स्क्वायर था तो बी क्या है मेरा 1, 1 का स्क्वायर कर दी, ये वाला टूट गया। अब सेकेंड वाला देखते हैं, इसमें भी इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। ये यहां से यहां तक ये पार्ट था इसका, अब इसको देखते हैं, इसको ए मान लिया, इसको बी, ये क्या हो जाएगा, जहां ए था ए के जगह क्या लिखना है 2n, तो 2n का होल स्क्वायर, प्लस था प्लस देंगे, 2 है 2 देंगे, ए ए के जगह कितना लिखना है 2n इंटू बी, बी के जगह कितना है 1, 1 लिख दिए, प्लस था प्लस दिए, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब बी का वैल्यू कितना 1, तो 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तोड़ो तो 2m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m, 2 into 2 4, और 1 तो कुछ होने वाला नहीं, तो 4m 1 का स्क्वायर 1, इसको तोड़ो तो 2n का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4n, 2 2 4, और इधर n भी है तो 4n हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1, ठीक है। अब मैंने कुछ नहीं किया है, ये स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिख दिया है, इसको 4m² + 4n² अरेंज किए हैं टर्म को यहाँ, ठीक है। तो 4n² + 4n² दोनों को साथ में लिखे, फिर 4m, 4m और 4n, ठीक है। मतलब ये दोनों को, ये स्क्वायर वाले को साथ में और m और n को साथ में, और ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ के लास्ट में लिख दिए, ठीक है। अब इस पूरे में से आप देखो तो 2 कॉमन निकल रहा है, यहां से लेके यहां तक में, तो मैंने इसको कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2m² + था तो प्लस 2n² + था तो प्लस, यहाँ पे 2m और यहाँ पे 2n, और यहाँ क्या बच जाएगा कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो अब ध्यान से देखो, कोई भी नंबर का जब यह मल्टीपल हो जाता है, ठीक है, ये 2, आप ध्यान से देखना, मतलब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगा, चाहे ये इवेन, ये वाला को जो पूरा सॉल्व करेंगे, चाहे इवेन आएगा चाहे ऑड आएगा, ठीक है। और कोई भी नंबर को इवेन या ऑड को आप 2 से इंटू कर देते हो तो वो नंबर इवेन ही हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2 को मैं 7 से इंटू कर दे रहा हूँ, 2 क्या है ऑड है, और सॉरी 7 क्या है ऑड, और 2 को मैंने इंटू कर दिया इससे, तो आएगा 14, ठीक है। मतलब इवेन नंबर को भी आप इंटू कर दो 2 से, सॉरी ऑड नंबर को भी 2 से इंटू कर दो तो इवेन आता है, और इवेन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी इवेन आता है। मतलब यहाँ पे चाहे इवेन नंबर आए इसका वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन का, चाहे ऑड नंबर आए, ये 2 से मल्टीप्लाई होते के साथ ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवेन नंबर में, ठीक है, इवेन नंबर में।
ठीक है, तो इवन जो कि क्वेश्चन में बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा क्या इवन, तो हम लोग का जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फाइनल जो वैल्यू आई ये है और वो क्या है हम लोग का इवन, ठीक है इवन तो है, लेकिन आप ध्यान से समझो क्वेश्चन में और भी बोला था नॉट डिविजिबल बाय फोर, तो क्या लगता है आपको ये पूरा एक्सप्रेशन फोर से क्या डिविजिबल है? नहीं, अगर यहाँ फोर कॉमन रहता ना तो फोर से डिविजिबल होता, लेकिन यहाँ तो टू कॉमन है तो ये टू से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है टू टू ये सॉरी टू से कंप्लीटली डिविजिबल है, फोर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, लेकिन क्या है ये इवेन। तो इसी तरह से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ एक्स एंड वाई आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवेन बट नॉट डिविजिबल बाय फोर, ठीक है नॉट टू, ठीक है। और ये क्वेश्चन से मैंने लिख रखा है, सिर्फ यहाँ हिंस लगा देना फिर से वही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है यहाँ हिंस लगा देना है, हिंस एक्स एंड वाई आर